क्या नून लीग ने हुकूमत के लिए मैदान खाली छोड़ दिया? बजट की मंजूरी के मौके पर शहबाज शरीफ समेत नून लीग के मुतादिद अरकीन गायब। वफाकी बजट 2021-22 कौमी असेंबली से मंजूर। फवाद चौधरी ने दावा किया कि नून लीग के 30 अरकीन ऐवान में नहीं आए, बजट बड़ी आसानी से पास हो गया। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के झगड़े में क़यादत की गिरफ्त पार्टी पर कमज़ोर हो रही है। लगता है कि नून लीग में पावर क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि हकीकत यह है कि अपोजिशन के तमाम अरकीन मौजूद होने के बावजूद बजट को मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। ये तारीख का पहला बजट है जिसमें अपोजिशन की तजवीज़ करदा 15 क्लॉज में 35 से ज़्यादा तरमीम की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा अपोजिशन को न सुना गया न गिना गया। इतना तो हक बनता था कि स्पीकर उनका वोट गिन लेते कि उन्होंने बजट के खिलाफ वोट दिया है। अब अवाम के पास जाने के सिवा रास्ता नहीं बचा। इजलास से गैर हाजिरी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर भी बिलावल की तनकीद। कहा खुद उन्होंने पीपल्स पार्टी के अरकीन की हाजिरी यकीनी बनाकर शहबाज शरीफ से किया वादा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बजट इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से पहले अपोजिशन से मामलात तय किए जाएंगे। अपोजिशन से वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में रुकावट ना डालने की बात की जाएगी। सिंध असेंबली में धींगा मुश्ती की दूसरी किस्त ड्रामा वहीं से शुरू हुआ जहां से ख़त्म हुआ था। जिन 8 अरकान पर स्पीकर ने असेंबली में दाखिले पर पाबंदी लगाई, तहरीक इंसाफ उन्हें दुल्हे जैसा बनाकर असेंबली में ले आई। ढोल बजाए, हार पहनाए, ढोल ताशे देखकर सिक्योरिटी अहलकारों ने असेंबली गेट बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों को रास्ता न मिला तो गेट के साथ धक्कम पेल शुरू कर दी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के फरदौस शमीम नकवी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते ही वॉकआउट कर दिया। मुकेश चावला ने जुमला कसा, जा रहे हो तो इस्तीफ़ा देते जाओ। तहरीक इंसाफ के रवैये पर इत्तेहादी जमात GDA को भी एतराज़, MQM लाताल्लुक रही। यकम जुलाई से 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपये और 1 लीटर डीजल 3 रुपये महंगा हो सकता है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। मुल्क में गैस का बहरान शदीद हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में CNG और सनअती शोबे को गैस की फरहमी मुअत्तल। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फरहमी मजीद 6 रोज़ के लिए बंद। पेशावर में CNG स्टेशन को गैस की फरहमी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 2300 CNG स्टेशन बंद हैं। गैस की बंदिश से 3 लाख अफराद का रोज़गार मुतासर हो रहा है। गैस की बंदिश का फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे। अब हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया। हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। फरवरी मार्च में इस पे हम फिजिकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। रशिया के साथ मुआहदे हुए, ये ठेका हमको सुई सदन और सुई नॉर्दर्न को दे देना चाहिए। रूस के तावन से मुजवजा गैस पाइपलाइन मंसूबे पर वज़रा और मुशीरों के मुतजाद बयानात का सिलसिला जारी। साबिक मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने 8 महीने पहले कहा था कि रूस के साथ MOU पर दस्तखत हो गए हैं, मंसूबे पर काम फरवरी मार्च से शुरू हो जाएगा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़र ने जियोनिस के प्रोग्राम में कहा कि तरमीमी मंसूबे पर पिछले महीने दस्तखत हुए हैं और अब पाइपलाइन बनेगी। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने कह दिया कि रूस के साथ तो 1.5 साल बाद पाइपलाइन पर काम शुरू होगा और वो महंगी होगी। ये मंसूबा रूस के बजाय पाकिस्तान की लोकल सुई कंपनियों को दे देना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हकायक सामने लाएगा। इस्लामाबाद में इटली के सफारतखाने के लॉकर से 1000 शेंजन वीज़ा स्टिकर्स चोरी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मुतालिका पाकिस्तानी हुकाम को मामले से आगाह करके कार्रवाई के लिए कह दिया गया है।
वफाकी तालीमी इदारों में 18 जुलाई से यकम अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी। पंजाब में यकम जुलाई से यकम अगस्त तक स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलत होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल यकम जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिंध में फिलहाल छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ। वजीर तालीम सिंध का बयान, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने यकम जुलाई से पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमरीका और मगरबी ताकतों का पाकिस्तान को किसी एक मुल्क से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। हमें किसी एक तरफ का क्यों होना चाहिए, हमें तो हर एक से ताल्लुकात रखने चाहिए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कुछ भी हो जाए, कैसा ही दबाव क्यों ना आए, पाक चीन ताल्लुकात कभी तब्दील या कमज़ोर नहीं होंगे। सीपैक पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, इससे सियासी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। हुकूमत है ही नहीं, चली क्या जाएगी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तंज। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगु में कहा कि कुछ हो तो जाए, ये तो मांगे तांगे पर हैं। एक सवाल पर बोले, अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, उसका रद्दअमल पाकिस्तान पर आ सकता है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का डेरा गाजी खान में ख्वाजा सराओं के जरिए टैक्स वसूली का तजर्बा कामयाब रहा। महकमे ने अब सूबे भर में ख्वाजा सराओं से ये काम लेने की ठान ली। बैरून मुल्क जाने वाले कोरोना की एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन के लिए परेशान, F9 पार्क इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बदनज़मी। लाहौर एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन खत्म, लोग मायूस लौटने लगे। फैसलाबाद में एस्ट्राजेनेका ना लगने पर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में फाइजर वैक्सीन की अदम दस्तियाबी, बैरून मुल्क जाने वाले परेशान। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोजेज इस्लामाबाद पहुँच गई। अमरीका का पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें देने का ऐलान। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में शरह 2.5% के करीब रही। सिंध भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% और पंजाब भर में 0.7% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। कोरोना के 735 केसेज रिपोर्ट, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 23 संवाद। मुतालिका डिग्री न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को ओहदे से हटाने का हुक्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुबैर सुमरों को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। सदर नेशनल बैंक की तैनाती के 12 जनवरी 2019 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में कहा गया था कि आरिफ उस्मानी के पास बैंकिंग या फाइनेंस की बजाय फिजिक्स की डिग्री है। आर्मी चीफ और चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी का वीडियो कॉल के जरिए राबता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरतहाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 40 लाख लोगों को घर मिलेगा, सेहत कार्ड मिलेगा, कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे तो ऑपोजिशन फारिग हो जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असेंबली इजलास में खिताब। कहा, 1.5 करोड़ अफराद की इनकम प्रोफाइल हमारे पास है, सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा आमदन वाला अगर टैक्स नहीं देगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौमी असेंबली में फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर, एतराजात मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बजट मंजूरी की रूलिंग से कबल अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन ने बजट बहस में हिस्सा लिया और बजट को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में माली साल 2021-22 का बजट मंजूर। वजीर खजाना आजाद जम्मू कश्मीर ने बजट ऐवान में पेश किया था। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। पारमपुरा में 2 रोज से जारी मुहासिरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद नौजवानों की तादाद 2 हो गई। अक़वामे मुत्तहिदा का भारत से मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज ने बच्चों और मुसल्ला तसादुम से मुतालिक रिपोर्ट में कहा,
कि मकबूजा कश्मीर में बच्चों की गिरफ्तारी, तशद्दुद और स्कूलों के फौजी इस्तेमाल पर तश्वीश है। भारत बच्चों को किसी भी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज से मुंसलिक करने की कोशिश ना करे। गुज़श्ता साल मकबूजा कश्मीर में 39 बच्चे भारतीय तशद्दुद से मुतासर हुए, जिनमें 9 जाँबहक और 30 माजूर हुए थे। मोदी हुकूमत मरने वालों की तादाद और डेल्टा किस्म की संगीनी को छुपा रही है। भारत में कोरोना से 4 लाख नहीं 20 लाख अफराद मरे हैं, आलमी माहिरीन सेहत का दावा। डेल्टा किस्म के बाद डेल्टा प्लस के केसेस भी बढ़ने लगे। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल्स और सिनेमाज बंद। कोरोना से मरने के बाद दरिया में फेंकी गई सैकड़ों लाशें दरियाए गंगा के किनारों पर उभरने लगीं। मानसून सीजन में मजीद लाशें ऊपर आने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव तेज हो गया, मजीद शहरों में पाबंदियां। पर्थ में 4 और ब्रिस्बेन में 3 रोजा लॉकडाउन। कोरोना एसओपीस तोड़ने पर नायब ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम पर $151 का जुर्माना आयद। ऑस्ट्रेलवी रहनुमा पेट्रोल पंप पर बगैर मास्क पहने देखे गए थे। ब्राजील में कोरोना की डेल्टा वेरियंट से पहली मौत की तस्दीक। बरतानवी हुकूमत ने 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियों में नरमी करने का इशारा दे दिया। मुख्तलिफ वैक्सीन से लोगों में मुदाफियत बेहतर होती है। अमरीकी अखबार में शायद तहकीक के मुताबिक 2 डोज के शेड्यूल में फाइजर और एस्ट्राजेनेका दिया जाना बेहतर रहता है। एस्ट्राजेनेका की 3 डोज से बेहतर मुदाफियत मिलती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ तवील अरसे तक मुदाफियत देती हैं। 1 डोज फाइजर और दूसरी एस्ट्राजेनेका दिए जाने से ज़्यादा एंटीबॉडीज बनी। विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज के अमेरिका हवालगी केस का मरकजी गवाह बयान से मुनहरिफ, झूठी गवाही का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी वजारत इंसाफ से सौदेबाजी करके गवाह सिगी थोरडार्सन अपनी सज़ा की मुआफ़ी की खातिर सुल्तानी गवाह बन गया था। जूलियन असांज पर खुफिया अमरीकी दस्तावेजात इंटरनेट पर शाया करके अमरीकी जंगी जराइम फाश करने का इल्ज़ाम। इसराइल ने खलीज में अपना पहला सफारतखाना अबू धाबी में खोल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता साल ताल्लुकात बहाल हुए थे। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमरीकी फजाई अड्डा बगराम एयरबेस इतवार तक खाली कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौजी जो सामान साथ नहीं ले जा रहे उसे तालिबान से बचाने के लिए तबाह कर रहे हैं। सिंध असेंबली के अंदर और बाहर बैंड बाजों के साथ साथ हरीम शाह की शादी के भी चर्चे। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली जुल्फकार शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ वालों ने एक शख्स को पैसे देकर उन्हें बदनाम किया। उस शख्स ने सोशल मीडिया पर उनका नाम जोड़ा, वो उसके खिलाफ FIA साइबर क्राइम को दरख्वास्त देंगे। असेंबली के बाहर ढोल ताशों के साथ एहतजाज पर बैठे खुरम शेर जमान ने ढोल को हरीम शाह की शादी से जोड़ दिया। शौहर को वेलकम करने के लिए आया था, उसके लिए ढोल बजाने आए थे। तो सिंध हुकूमत समझी कि शायद ढोल वाले हमारे साथ आए, उन बेचारों को थाने में बंद कर दिए, उनको छुड़वाया जाए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप UAE और ओमान मुंतकिल कर दिया गया। ICC के मुताबिक इवेंट की मेज़बानी भारत ही करेगा। मैच दुबई, अबू धाबी, शारजा और ओमान में होंगे। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डर्बी के खुशगवार मौसम में 4 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। मतलब अबर आलूद रहा, आउटडोर में खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। मार्को चैंपियंस लीग का क्वालिफायर मैच स्ट्राइकिंग पैंथर्स और KPK टाइगर्स के दरमियान जारी है, जिसमें टाइगर्स को जीत के लिए 113 रन का हदफ मिला है। इस मैच की फातह टीम इवेंट का फाइनल खेलेगी। दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रहीम स्टर्लिंग और हैरी केन के गोल, इंग्लैंड यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से शिकस्त दे दी। टूर डी फ्रांस में पैर दर पे हादसों में साबिक चैंपियन गैरियन थॉमस समेत कई साइकिलिस्ट जख्मी हो गए। रेस शुरका ने चौथे मरहले के आगाज पर अलामती एहतजाज करके रोड सेफ्टी बेहतर करने का मुतालबा किया।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ 18 से ऊपर के बच्चे जल्दी से सीएनआईसी लाओ 1166 पे खुद को रजिस्टर करवाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है क्या मुफ्त भी है हाँ मुफ्त भी है तो अपना तुम हिचकिचाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ तो बस अब वैक्सीन को कहें हाँ ना कोरोना को कहें ना ना और डोंकी किंग मंगू ने बनाया वैक्सीन एंथम मंगू आवाम से कह रहा है आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं यानी वैक्सीन को कहें हाँ ना और कोरोना को कहें ना ना